हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सम्मल और मेरे पास एक आया था माइक्रोमास का Q409 मॉडल आया था मेरे पास। तो दोस्तों इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था। ये चार्जिंग पिन चेंज करने के लिए मेरे पास आया था, लेकिन इसका जो तीन ट्रैक था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़कर ये जो तीन ट्रैक था वो उखड़ गया। कहाँ से आपको जम्पर लगाना है, क्योंकि मैं जब दोनों साइड जम्पर लगाया फिर भी ये चार्ज तो हो रहा था, लेकिन चार्ज जो है वो स्टोरेज नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए आपको ये तीन जो पिन है उसमें से दो पिन को आपको जम्पर लगाना है, नहीं तो आपका चार्ज जो है वो स्टोरेज नहीं होगा। तो ये मॉडल है Q409। तो मैं पहले आपको थोड़ा चार्ज करके इसको दिखा देता हूँ। चार्ज पूरा इसका था 5%, अभी ये हो चुका है 20%। तो थोड़ा आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले 5% था, उससे आगे नहीं बढ़ रहा था, अभी हो चुका है 65% हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ कहाँ से आपको जम्पर लगाना है। चलते हैं सिस्टम पर, देखिए चार्जिंग का कन्नर जो पीछे जहाँ पर आप फोल्डिंग मारते हैं ना, उससे बैक साइड में आपको ऐसे कंपोनेंट मिलेगा, ऐसे कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर 5 पिन जो है 1, 2, 3, 4, 5 वो बना चुका हूँ। जो पहले आपका आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, उसके साइड जो पिन है आपको वहाँ उसको कहीं जम्पर नहीं लगाना है। बीच वाला मिडिल वाला पिन जो है येलो कलर में लिखा हूँ, देखिए उसको आपको ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं ना आप, कैपेसिटर कर में जो रजिस्टर वहाँ पर जम्पर लगाना है। और आपका आ गया उससे बीच वाला के ऊपर वाला ग्राउंड के पास वाला जो है आपको उसको इस रजिस्टर पर जम्पर लगाना है, ठीक है, इस रजिस्टर पर जम्पर लगाना है। और ये तो ग्राउंड आपका ग्राउंड है आपका, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।